हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स एंड इट इज़ लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर सिक्स साइंस की बायो सेक्शन के अंडर आता है आपकी जो साइंस है वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड है केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो हमने जो फर्स्ट चैप्टर कवर किया था वो केमिस्ट्री सेक्शन के अंडर था एंड ये चैप्टर नंबर सिक्स लाइफ प्रोसेस जो है इट कम्स अंडर बायो सेक्शन सो लेट स्टार्ट इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर की मीनिंग को ये जो चैप्टर की जो हेडिंग दी गई है इसको समझते हैं लाइफ मीन्स जीवन एंड प्रोसेस मीन्स रियाक्शंस डैट टेक्स प्लेस इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवर के लिए उनकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं उन सारे रिएक्शंस को उन सारे प्रोसेसेस को ही हम क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं सो so, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है दीज आर प्रोसेसेस ये वैसी प्रोसेसेस हैं दैट मेंटेन बॉडी फंक्शंस हमारी बॉडी की फंक्शंस को मेंटेन करती है एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उनकी शेप साइज वैरायटी सारी चेंज होती हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग नीड होती है बट डिफरेंट नीड होने के बावजूद भी दे परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस उनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस होती रहती हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती है? क्या उनका कोई नेम है डेफिनेटली उनका नेम है दीज लाइव प्रोसेस आर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट इज एक्सक्रीशन दीज फोर आर मेल लाइफ प्रोसेसेस ये मेल लाइफ प्रोसेसेस है जो हमारी बॉडी में होते हैं इवन वी आर स्लीपिंग हम सो रहे होते हैं एट दैट टाइम भी ये सारी प्रोसेसेस जो होती है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलती रहती हैं एंड ऑल दीज लाइफ प्रोसेस ये जो फोर हमने लाइफ प्रोसेस की बात की ये सारे जो हैं दे आर इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसा नहीं है न्यूट्रिशन अपना अलग से वॉक करेगा रेस्पिरेशन अलग से वॉक करेगा ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से वॉक करेगा किसी ना किसी तरीके से ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं ओके okay? ये जो लाइफ प्रोसेसेस है चूँकि इनका वर्क ही है मेंटेनेंस ये क्या करती है बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करती है अगर इसका फंक्शन मेंटेन करना है दैट मीन्स इट नीड एनर्जी इनको एनर्जी चाहिए इन सारी प्रोसेसेस को एनर्जी चाहिए अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं हम ह्यूमन बींग्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को बाहर से लेते हैं ठीक है एंड उस फूड को इस तरीके से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से उनके ऊपर एक्शन किया जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है उस फूड से हमारी बॉडी क्या करती है एनर्जी एब्जॉर्ब करती है ओके okay? एंड वो जो फूड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आता है एंड उससे एनर्जी जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं एंड दिस इज़ फर्स्ट लाइफ प्रोसेस ओके तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस से हमें क्या मिली एनर्जी मिली न्यूट्रिशन में हमने क्या किया फ़ूड को एडजेस्ट किया मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी बॉडी के बाहर से फूड को लिया एंड उस फूड से एनर्जी निकाली एंड उस एनर्जी को यूज़ किसके लिए किया जा रहा है मैंटेनेंस जॉब के लिए किया जा रहा है ओके सेकेंड okay? जो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन इस न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है इस पर हमने क्या किया फूड को लिया और इससे एनर्जी रिलीज करवाई लेकिन इस एनर्जी को रिलीज़ कराने के लिए जिस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है नीड होती है दैट इज़ रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन सेकेंड लाइफ प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए या हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं एटमोसफेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट फूड को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीडाइज करने के बाद ही उस फूड से एनर्जी रिलीज होती है ओके सो दिस इज पॉसिबल बाय रेस्पिरेशन सो न्यूट्रिशन इज कनेक्टेड विथ रेस्पिरेशन थॉट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन अब क्या हो गई उस फूड से हमें एनर्जी मिल गई अब इस एनर्जी को बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक सेंड करना जरूरी है ठीक है तो इन एनर्जी को इन न्यूट्रिएंट को ईच सेल तक हर एक सेल तक सेंड करने के लिए जो लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में वर्क करती है दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ओके सो ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो वेरी नेसेसरी ये बहुत ही नेसेसरी है हमारी सर्वाइवल के लिए लास्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है दैट इज़ एक्सक्रीशन ये क्या हुआ एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन में क्या होता है जब ये प्रोसेस लाइफ प्रोसेस होती रहती है डाइजेशन होता रहता है तो इस प्रोसेस के समय कुछ अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में रह जाते हैं जिसको हम वेस्ट मटेरियल भी बॉडी वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं ये अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम एजेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है ओके okay? क्योंकि अगर उसकी एकूमुलेशन हो जाएगी तो इससे हमारी बॉडी में पॉइजन कलेक्ट हो जाएगी जिससे हमारी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगी दैट्स वाई एक्सक्रीशन जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस प्रोसेस के अंडर आता है ओके okay, इस चैप्टर में हम वन बाय वन इन लाइफ प्रोसेसेस को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे सबसे पहले हम न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट uh, करते हैं न्यूट्रिशन क्या है न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड मैंने क्या कहा न्यूट्रिशन क्या है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड अब फूड को हम क्यों ले रहे हैं बिकॉज फूड में न्यूट्रियट होता है एंड उस न्यूट्रिएंट को लेने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है न्यूट्रिशन कहा जाता है न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेकंड इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया प्रिपेयर देअर फूड फ्रॉम सिंपल इन ऑर्गेनिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को मैंने क्या बोला उस टाइप के न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं ओके तो ये क्या हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया और इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जनरली प्लांट्स ही ग्रीन प्लांट्स ही आ, शो करते हैं ऑटोट्रॉप्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड आउटसाइड से उन सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड उसको क्या करते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है स्टार्च मीन्स प्लांट क्या करते हैं जो एनर्जी उनकी बॉडी में आती है उसको कुछ तो यूज़ करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड कुछ को क्या करते हैं वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ओके दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो थैंक यू